नमस्कार दोस्तों, फाइट कोरोना फ्लू सीरीज का आज 339वां 339th ट्यूटोरियल है। और आज का जो सॉन्ग है वो गीत फिल्म का हिट सॉन्ग जिसके सपने हमें रोज आते रहे, दिल लुभाते रहे। तो दोस्तों, ये मैं सी मिडिल फ्लूट पर आपको इसका ट्यूटोरियल दे रहा हूं। इसमें जो लगने वाले स्वर हैं आप उनको ध्यान रखिए। मंद्र सप्तक का ध, ध मतलब लोअर वाला ध, उसके बाद सा रे ग कोमल भी लगेगा और शुद्ध ग भी लगेगा, ठीक है। फिर म शुद्ध और म तीव्र, तो इसमें म तीव्र भी लग रहा है, ग कोमल भी लग रहा है, पर इतना मुश्किल नहीं है। ऐसी जगह पर लग रहा है कि आप उसको आसानी से थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ बजा सकते हैं। उसके बाद फिर प और ध, नी में नहीं जा रहा है, वहां तक सारे गामा प ध तक ही है, ठीक है दोस्तों। नोटेशंस में जो ध लो वाला है उसको स्मॉल लेटर से दिखाऊंगा, उसके बाद सारे कैपिटल लेटर से होंगे, और जो कोमल है तो ब्रैकेट में के लिखा होगा, और तीव्र के लिए एम के ब्रैकेट में टी लिखा होगा। कोई स्वर अगर बहुत जल्दी से बजा रहे हैं तो उसको ब्रैकेट में दिखाऊंगा। इस तरह से अगर कोई है रेगरे रेगरे गमा 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 वाला, ठीक है, तो वो ब्रैकेट में होगा। और ट्यूटोरियल देखते रहिए, आपको पता चल जाएगा कैसे वहां पे प्लेस करना है। तो दोस्तों, छोटा सॉन्ग है, एक मुखड़ा एक अंतरा। शुरू करते हैं इसका मुखड़ा पोर्शन। मुखड़े की पहली लाइन, जिसके सपने हमें रोज आते रहे, जिसके सपने के आगे हो, जिसके सपने ग ग ग कोमल ग ग ग ग कोमल ग ग हमें, अच्छा रोज में क्या है, ग रे ग रे तो हो गया, रोज के लिए रे सा ध हमें रोज गरे 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 कर सकते हो, आते रहे धसा ग ग कोमल ग धसा ग कोमल ग, ठीक है। इजी जगह पर ग कोमल है, बच जाएगा आराम से। दिल लुभाते रहे, सेकंड लाइन अच्छा, ये जो ध लग रहा था रोज आते रहे में जो ध लगा वो स्मॉल लेटर में है, क्योंकि वो मंद्र सप्तक है, लो ऑक्टेव। सेकंड लाइन में दिल लुभाते रहे, यहां पे भी ध जो है वो लो वाला है, दिल लु रे सा दिल 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 लु रे सा ध सा ग ग कोमल ग। नेक्स्ट, ये बता दो, अब थोड़ा सा ऊंचे जाएगा, ग प प ग प प ध ध, ये बता दो ठीक है, ग प ग प ध ध ग प प ध ध। फिर नेक्स्ट जो बता दो है, बता दो में प प फिर प ग प प प ग। अच्छा दोस्तों, अब ये फिर से रिपीट होता है, ये बता दो कहीं तुम, इस लाइन को बहुत ध्यान से देखिए, ये बता दो तो ठीक है, ठीक है, ग प प ध कहीं तुम, ये थोड़ा सा ट्रिकी है,
ध प म ग ग कोमल कहीं तुम कहीं प म ध प कहीं तुम के लिए फिर से प म ग ग कोमल। अब पूरा देखिए कहीं तुम धीरे धीरे बजा रहा हूं प म ग ग कोमल ठीक है। वही तो नहीं, अब वो ग कोमल पे हमारा खत्म हुआ था तुम, अब वो ग कोमल को कंटिन्यू रखना है। वही तो नहीं ग कोमल ग कोमल फिर ग वही तो फिर म तीव्र म फिर ग फिर लंबा खींचने ग रे सा वही तो नहीं ठीक है। वही तो नहीं गरे 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 सा सेम इसी नोटेशन के ऊपर मुखड़े का सेकंड पार्ट है और इसके साथ ही ये मुखड़ा कंप्लीट होता है। आइए अब इसका अंतरा की पहली लाइन। जब भी झरनों से मैंने सुनी रागिनी ठीक है मौत तीव्र का यूज है। जब भी ग मौत तीव्र झरना मा पापा मातीव्र है से मैंने मापा ग सा अभी ग शुद्ध है मैंने सुनी रागिनी सुनी में साग रागिनी ग शुद्ध था है साग प म प रागिनी मतीव्र है। मैं ये समझा तुम्हारी पायल बजी मैं ये समझा ग म प ध ध मतीव्र है। मैं ये समझा तुम्हारी ठीक है प म ग म ग ग कोमल प म ग म ग ग कोमल तुम्हारी पायल बजी ग रे सा सा और फिर जिसके पायल पे हम दिल लुटाते रहे ये बिल्कुल मुखड़ा पोर्शन की तरह वही नोटेशन इसमें लगते हैं। इसके साथ ही ये सिंपल सॉन्ग कंप्लीट होता है। विश यू ऑल द बेस्ट हैप्पी फ्लूट।